हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसे हम लोग जीओसी भी बोलते हैं। उसका हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं और क्लास 12 का ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर, इंटेक्स का क्वेश्चन, एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Draw formula for the first five member of each homologous ring beginning with the following compound: HCOOH, CH3COCH3, HCH double bond CH2। समझिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि homologous ring होता क्या है। Homologous ring एक sequence of compound है जिसमें दो molecule के बीच में difference किसका होता है, CH2 का difference होता है। CH2 के डिफरेंस के साथ साथ दोनों मॉलिक्यूल में सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सेम होगा। क्या हम बोल रहे हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा और वो जो दो मॉलिक्यूल होगा उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं होगा। और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सेम होगा। तो कुछ नहीं करना है, HCOOH में हमको उसका फाइव मेंबर होमोलोगस सीरीज बनाना है। तो हमको क्या करना है, हर एक स्टेप में CH2 मॉलिक्यूल को ऐड करना है और ऐड करते वक्त ये ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसके बाद वाले कार्बन को यानी मेन चेन में CH2 को ऐड करना है। तो देखिए ये दिया हुआ क्या है, HCOH, यहां पे हम CH2 को ऐड करेंगे और एक हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH। यहां पे आप एक और CH2 मॉलिक्यूल को ऐड कीजिए तो ये होगा CH3 और बीच में क्या आएगा, CH2COOH। इसी टाइप से एक और CH2 को ऐड कीजिए तो CH3CH2CH2COOH, तो कितने हो गया, 1, 2, 3, 4। इसी टाइप से आप एक बार और CH3CH2 मॉलिक्यूल को ऐड कीजिए तो 2 पहले से ऐड है, एक और ऐड करेंगे तो CH2 का यहां पे कर देते क्या, होल 3 और क्या है, COOH। तो इस टाइप से देखिए दो कंटिन्यूअस के बीच में डिफरेंस किसका है, CH2 का, और दोनों के बीच में सेम फंक्शनल ग्रुप है और जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर बी पे। ये क्या है, CH3COCH3, ये है एसीटोन, इन दोनों के बीच में CH2 मॉलिक्यूल को ऐड कीजिए तो CH3CH2COCH3 एक हो गया। फिर से यहां पे CH2 एक और ऐड करते हैं, CH3CH2CH2COCH3। तो इस टाइप से हर एक स्टेप में क्या करें, CH2 मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए कितने CH2 मॉलिक्यूल हुआ, 2, एक और ऐड करते हैं CH3CH2 का होल 3 और ये क्या होगा, COCH3। तो इस टाइप से 1, 2, 3, 4, एक और चलिए यहीं पे लिखते हैं, CH3CH2 का होल 3 था, एक और बढ़ाएंगे तो 4 होगा और ये क्या होगा, COCH3। तो ये आपस में क्या है, होमोलोगस सीरीज है। लास्ट क्या है, ध्यान दीजिए सी में, HCH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका दिया हुआ है। अब समझिए यहां पे फंक्शनल ग्रुप जैसा कौन बिहेव करेगा, है तो नहीं लेकिन ये डबल बॉन्ड है तो यहां पे हम CH2 मॉलिक्यूल को ऐड नहीं कर सकते, इस कार्बन पे यहां पे ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां पे पहले से है और CH2 आएगा तो क्या होगा, CH3 होगा। तो ये क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों के बीच एक मॉलिक्यूल ऐड कीजिए, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से आइए एक और मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं CH3, तो क्या होगा, CH2CH2CH डबल बॉन्ड CH3। उसी टाइप से एक और मॉलिक्यूल को ऐड किया, कितना ऐड हुआ, 2, एक और ऐड करते हैं CH3CH2CH2CH2 और ये मेरा क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये है होमोलोगस सीरीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।